वो ये है कि किसानों के आंदोलन ने बीजेपी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है, ये इन्होंने कहा। ठीक है, नेक्स्ट चेंज करें, बीजेपी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। नेक्स्ट, बीजेपी सरकार की नाकामी के कारण गरीबी बढ़ी है, मोदी सरकार में अन्नदाता परेशान है, ये इन्होंने कहा। मैं चाहूंगा उनका बाइट का शॉट जो है और ये जो ग्राफिक्स है उसके साथ मैं राहुल सर के पास आऊंगा। राहुल सर, एक चीज है और मैं स्ट्रेटेजिकली आपसे ये समझना चाहता हूं, वो ये है कि अखिलेश बार बार इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें वो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है, देयर इज नो वैल्यू एडिशन। ऑन द कॉन्ट्ररी, बीजेपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा घर घर डोर टू डोर जा रही है। क्या अखिलेश जी की स्ट्रैटेजी जो है उसमें ये जो रेपिटेटिवनेस है, और थोड़ा सा अगर और एग्रेशन अगर डोर टू डोर मिलने वाला होता उससे और ज्यादा फर्क होता, और ये रेपिटेटिवनेस अगर इग्नोर की जा सकती होती तो? मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आपने एक सही बिंदु पकड़ा है निशान। देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है कि सपा और रालोद की ओर से जो भी बड़ी सभाएं हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो रही है, सभा भी नहीं हो रही उस तरह से, जनसंपर्क के नाम पर भी यही हो रहा है, उसमें केवल यही दो नेता दिखाई देते हैं, अखिलेश और जयंत चौधरी। बीजेपी की ओर से पूरी एक लंबी चौड़ी सेना है, बड़े अधिकारियों की, मंत्रियों की सेना है जो लगी हुई है और अलग अलग शहरों जिलों में जा रही है। वो प्रदेश स्तर के भी हैं, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक, और केंद्रीय मंत्री भी हैं। बाकी सारी पार्टियों के पास और सपा के पास ऐसे नेताओं का अभाव दिखता है जो घर घर जाकर संपर्क कर सके, जो अलग अलग जो प्रमुख नेता हों, जो जिनका असर हो अपने आसपास के इलाकों में और जिनकी एक हैसियत हो समाज में, या तो ये एक असंतुलन है। और इसके कारण उनको, मुझे लगता है दूसरी चीज़ की, आप जब आंकड़ों पर ज़्यादा रहते हैं और गरीबी और बेरोजगारी इस तरह के मुद्दों पर रहते हैं तो उसमें फिर बार बार नया क्या कहेंगे, क्योंकि आंकड़े वही हैं। सर, तो मैं आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ के सवाल पूछूं कि जो नए नॉर्म्स आए हैं या जिस तरीके से नए ये गाइडलाइंस आई हैं कोरोना काल को लेकर, क्या इनके ये एक सेंस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इनमें कम दिखाई दे रहा है? देखिए, इम्प्रोवाइजेशन मैं नहीं जानता कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर अमित शाह इतने हजारों सैकड़ों की भीड़ के साथ रैलियां कर सकते हैं, रैली नहीं कर रहे, घर घर जा सकते हैं, गलियों में घूम सकते हैं, और ये ध्यान देखने की बात है कि वो मास्क, खुद मास्क नहीं लगाए हैं। उन्होंने आज अपना अभियान रद्द किया, लेकिन खुद उसमें भी, उन दृश्यों में भी जो आपने भी दिखाए, उसमें अमित जी खुद मास्क नहीं लगाए, वो यानी पालन नहीं हो रहा है सावधानियों का। तो अगर वो जनसंपर्क इस तरह से कर सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं हो रहा सर, है? लेकिन एक और चीज है इसमें हम जो इग्नोर नहीं कर सकते, मैं राहुल सर आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करिए, अगर राहुल यादव जो वो रोड शो करते हैं बुलंदशहर में और वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उनको तो नोटिस मिल जाता है, लेकिन बीजेपी के साथ हम 300 लोग नहीं देख रहे किसी भी एंगल से, वो बहुत सारे लोग हैं, तो एक एक अनड्यू एडवांटेज उनको मिल रहा है, क्या ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है? मैं यही तो कहने जा रहा था अगला, कि ये जो अंतर दिख रहा है साफ साफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब अखिलेश, उनको हेलीकॉप्टर जानबूझ के उड़ने नहीं दिया गया, या वो संयोग था हम नहीं जानते, लेकिन दोनों में ये बहुत अंतर साफ दिख रहा है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो उनको करने नहीं दिया जा रहा है, या उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर उनके पास नेताओं का उनका अभाव है। ये तीनों चीजें माननी पड़ेंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग या इसकी छूट का लाभ, सत्ता में होने का लाभ तो बीजेपी को निश्चित रूप से मिल ही रहा है, उठा रहा है, इससे कोई अब शक नहीं है। ये जो आप, क्योंकि मेरे यहाँ पर यही दो कंटेंशन थे जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, एक सेंस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन और एक दूसरा की एक अनड्यू एडवांटेज, जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो उस तरफ ज्यादा मिलता है, यहाँ पर कम दिखाई देता है, वो एक मेरे लिए चिंताजनक बात थी जिसपे आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी दे दी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।